साइरम किड्स कैसे हो आप? अच्छे हो ना? और बहुत सारे बच्चे मुझे वीडियोस और फोटोज अपने अपने वर्क के भेजने लग गए। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू ऑल आर डूइंग योर एफर्ट्स, वंडरफुल एफर्ट्स। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग। आज हम लोग क्या करेंगे, ए से लेके जेड तक आपको कैसे लिखना है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, साथ में उन लेटर्स को आइडेंटिफाई भी करेंगे, ठीक है। और कुछ बच्चों का मैंने वीडियो में देखा कि वो लिख तो बहुत अच्छा रहे हैं, आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और पॉलिशिंग की जरूरत है। पॉलिशिंग की जरूरत मतलब आपकी राइटिंग में और चमक आनी चाहिए। तो वो कैसे चमक आएगी आपकी राइटिंग में? यस, आपकी मम्मी या पापा को आपके लिए आपकी 4 लाइन नोटबुक में डॉट्स लगाने पड़ेंगे। जब वो डॉट्स लगाएंगे तो आपकी राइटिंग कैसी हो जाएगी? ब्यूटीफुल, है ना? तो सबको अपनी राइटिंग ब्यूटीफुल बनाना है ना? यस। तो अभी मैंने देखा कि कुछ बच्चों की राइटिंग तो अच्छी है, लेकिन उसको मैं और अच्छा बनाना चाह रही हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करना है कि वो नोटबुक में डॉट्स लगाए, और उन डॉट्स के साथ आप कुछ दिन तक प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपकी राइटिंग और भी अच्छी हो जाएगी। ओके, सो गिव मी, प्रॉमिस मी दैट यू विल डू दिस, यू विल डू इट ना? वेरी गुड। तो आज सबसे पहले मैं बताऊंगी कि 4 लाइन की नोटबुक में किस तरीके से डॉट लगाना है, तो ध्यान से देखना। फिर मैं साथ में वो लेटर भी लिखती जाऊंगी, जिससे कि आपको अच्छे से पता चले, आपकी मम्मी को भी पता चले कि कौन से लेटर के लिए कितने डॉट लगाने हैं और कहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। जैसे हम सबसे पहले ए लिखेंगे, तो यहाँ पे मैंने सिंगल डॉट तो सबके लिए मार्क करके रखा है, लेकिन जिन बच्चों का ए अभी भी लाइन से ऊपर नीचे हो रहा है ना, या फिर अच्छे से नहीं बन रहा है, उनके लिए उनकी मम्मी ऐसे 3 डॉट्स लगाएगी। तो आपको बार बार मम्मी को नहीं बताना पड़ेगा कि यहाँ पे आके रुको, यहाँ पे आके रुको। और जब आप 3 डॉट से ए बनाएंगे तो धीरे धीरे आप बिना डॉट से लिखना भी सीख जाएंगे, लेकिन पहले आपको इस तरीके से ए के लिए 3 डॉट्स लगाने पड़ेंगे मम्मा से। और फिर आप 2-4 दिन या 1 वीक से प्रैक्टिस करोगे, तो 1 वीक के बाद आई प्रोमिस यू दैट यू विल बी एबल टू राइट विदाउट डॉट्स, लेकिन इनिशियली यू हैव टू प्रैक्टिस विथ डॉट्स, ठीक है। ये ऐसे मम्मी ने आपको ए के लिए 3 डॉट्स बनाए, फिर आप इनको ऐसे डॉट से डॉट मिलाएंगे, तो आपका ए देखिए कितना अच्छा दिखेगा, है ना? दिख रहा है ना अच्छा? तो आपको मम्मा की हेल्प लेना है, आपको मम्मा बोलना है मेरी राइटिंग मुझे ब्यूटीफुल बनानी है, तो इसलिए प्लीज आप ऐसे डॉट लगाइए। आप लेटर बी के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, ऐसे 2 डॉट्स लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और फिर राइट साइडेड वाला कर्व और नीचे ये एक राइट साइडेड वाला कर्व, ये आपका हो गया बी, ठीक है। सी के लिए ही भी आपको बी की तरह ही डॉट मम्मा को लगाना है, ठीक है। और आप यहां से शुरू करेंगे और एक लेफ्ट साइडेड कर्व बनाएंगे, डॉट से थोड़ा ऊपर भी आप कर्व को लेकर जा सकते हैं, ये आपका सी बन गया। बी के लिए भी सेम आप इस तरीके का डॉट लगाएंगे जैसे आपने बी और सी के लिए लगाया। फर्स्ट यू विल ड्रॉ स्टैंडिंग लाइन एंड देन यू विल ड्रॉ अ राइट साइडेड कर्व, यू विल मैच दैट लाइन, ठीक है। ऐसे यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करेंगे लाइन के और एंड पॉइंट तक कर्व को घुमाएंगे, ठीक है। डॉट्स लगाने से राइटिंग बहुत आसान हो जाती है। कुछ बच्चों को अभी भी मैं देख रही हूँ डिफिकल्टी आ रही है बनाने में, तो डॉट्स लगाने के लिए वो बहुत सिंपल बन जाएगा, और प्रैक्टिस करते 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 आपके डॉट्स भी मम्मा एक-एक हटा सकते हैं। जैसे अभी हमने कुछ लेटर्स के लिए 2 डॉट लगाए, कुछ लेटर्स के लिए 3 डॉट लगाए, तो वो धीरे धीरे 2 की जगह 1 करना है, 3 डॉट्स की जगह 1 करना है, लेकिन ये प्रैक्टिस से आपको आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम ई के लिए भी 2 डॉट लगा रहे हैं। अगर कुछ बच्चों का प्रॉब्लम है तो मम्मी यहाँ पे भी 4 डॉट्स भी लगा सकती है, अगर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है।
क्या करेंगे सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, देन इसको मिलाकर स्लिपिंग लाइन, सेंटर में भी आपको एक लाइन दिख रही है, यहाँ पे भी एक स्लिपिंग लाइन, और नीचे भी हमने दो डॉट्स कराए, यहाँ पे भी स्लिपिंग लाइन। देखो डॉट्स की मदद से आपका ई बहुत अच्छा दिखने लगा और राइटिंग भी आपकी बिल्कुल लाइन कॉन्सेप्ट आपका सही हो रहा है। ठीक है, अब एफ के लिए आप क्या करेंगे, एफ के लिए भी आपको वहां से ऐसे ही डॉट लगवाना है। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन फर्स्ट, देन स्लिपिंग लाइन, सेकंड स्लिपिंग लाइन, फर्स्ट स्लिपिंग लाइन एंड सेकंड स्लिपिंग लाइन। ओके, सो दिस इज योर एफ। डॉट से देखिए कितनी राइटिंग आपकी सुंदर बनने वाली है। तो प्रॉमिस कीजिए कि आप मामा की थोड़ी सी हेल्प लेंगे और डॉट से ही काम करेंगे। अब नेक्स्ट फोर लाइन में आपको अब आएगा ए बी सी डी ई एफ जी। जब आपको नेक्स्ट लेटर याद नहीं आते तो आपको क्या करना है, शुरू से रीड करना है। सपोज आपको यहाँ तक आ गए एफ तक, लेकिन अब आगे आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से स्टार्टिंग से रीडिंग करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी। यहाँ आते आते आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ जी लिखना है। अब कुछ बच्चों को जी लिखने में बड़ी परेशानी होती है, तो मम्मा क्या कर सकती है, इस तरीके के थ्री डॉट्स बना सकती है। ठीक है, पहले तो आपको ये याद रखना है कि जी सी जैसे कर्व के साथ ही बनता है। क्या आपको सी का कर्व तो आने लग गया है, बस इस कर्व को आपको दो डॉट्स को मिला के तीसरे डॉट तक लेकर जाना है। ठीक है, फिर यहाँ से आप अंदर जाके स्लिपिंग लाइन बनाएंगे और इस तरीके की आपकी स्लिपिंग लाइन बन गई, आप देख लीजिए इसको डॉट तक, और फिर इस डॉट पे रख के वापस स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, स्मॉल स्लिपिंग लाइन एंड स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, है ना। तीन डॉट लगाने से आपको जी लिखना बहुत आसान हो गया। अब एच में ज्यादातर बच्चे अच्छा ही लिखते हैं, तो दो डॉट से आप सीख सकते हो। जिनको प्रॉब्लम आ रही है उनकी मम्मी उनके लिए फोर डॉट्स बना सकती है। ठीक है, फर्स्ट यू विल ड्रॉ स्टैंडिंग लाइन, अनदर स्टैंडिंग लाइन, एंड देन यू हैव टू मैच देम विद अ स्लिपिंग लाइन लाइक दिस। ठीक है, आई भी बहुत आसान है, आई में भी दो डॉट से आप कर सकते हो। जो नहीं कर सकते उनके लिए मम्मा यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ ऐसे सिक्स डॉट्स बना सकती है। ठीक है, सबसे पहले सेंटर वाले डॉट है जो, उनसे आपने स्टैंडिंग लाइन बनाई और फिर एक ऊपर स्लिपिंग लाइन और एक नीचे स्लिपिंग लाइन। ओके, अब आपका जे है, जे में भी आपको क्या करना है, स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व। ओके, और उधर एक स्लिपिंग लाइन, अगर आप यहाँ भी भूल जाते तो हमें यहाँ सिंपल से डॉट लगा सकती है। तो आप क्या करेंगे, पहले स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और फिर इस डॉट से इस डॉट तक ऐसे कर्व बनाएंगे। ठीक है, ऊपर स्लिपिंग लाइन है, के बनाना है आपको, के लिए भी आपको दो डॉट से भी कुछ बच्चे बना सकते हैं, और कुछ बच्चे जिनको थोड़ा सा डिफिकल्टी है तो मम्मी उनकी फोर डॉट्स लगाएंगे, पापा फोर डॉट्स लगाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने स्टैंडिंग लाइन बनाई, ओके, फिर सेंटर में रखा आपने, या फिर यहाँ से इस सेंटर तक आप आ गए स्लैंटिंग लाइन बनाते हुए, और नीचे वाले डॉट तक गए आप दूसरी स्लैंटिंग लाइन बना। ठीक है, यहाँ रखा आपने, सेंटर तक आए और सेंटर से फिर इस डॉट तक आपने दूसरी स्लैंटिंग लाइन बनाई। ठीक है, डॉट से लिखना कितना आसान है आपको समझ में आ रहा है ना, और आपकी राइटिंग तो बहुत सुंदर हो जाएगी। एल में भी स्टैंडिंग लाइन और फिर स्लिपिंग लाइन। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हमारी राइटिंग अच्छी होती जा रही है। तो आपको भी मम्मा से हेल्प लेना पड़ेगा और डॉट्स लगवाने पड़ेंगे। अब इसके बाद है एम। एम में भी मैं पेरेंट्स को ये सजेस्ट करूंगी कि अगर बच्चे अच्छा नहीं लिख रहे हैं तो आप फोर डॉट्स लगाइए, जैसे कि मैं यहाँ लगा रही हूँ अभी। फोर डॉट्स लगाने से उनको लाइन कंसेप्ट बहुत जल्दी बच्चों को आ जाता है। इससे पहले मैंने दो
स्टैंडिंग लाइन बनाई, ठीक है। फिर यहाँ मैंने बच्चा खुद ही अपना सेंटर मार्क कर सकता है दो डॉट्स के बीच में, और फिर यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन बना के उसको मैच कर सकता है। तो कुछ टेक्निक्स हमें बच्चे को सिखाना पड़ेगा और कुछ हमें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी ताकि वो अच्छा लिखे। एंड में भी मैं सेम कहूंगी, अगर दो डॉट से बच्चा नहीं लिखे तो फोर डॉट्स प्लीज लगा दीजिए। अगर लिखता है तो उसको पता है पहले मुझे स्टैंडिंग बनानी है, फिर स्लैंटिंग बनानी है और फिर वापस स्टैंडिंग बनानी है। और नहीं लिख पाता है तो यहाँ पे दो डॉट्स और यहाँ पे दो डॉट्स, तो पहले वो दोनों स्टैंडिंग लाइन बना ले और फिर स्लैंटिंग लाइन से उनको मैच कर ले, ठीक है। वो तो बहुत आसान है, सारे बच्चों को आता है, मैंने देखा है, लेकिन इधर भी लाइन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से कर्व बनाइए और फिर इसी कर्व को ऊपर वाले डॉट तक कंप्लीट कीजिए। इसमें भी आपकी मम्मा टू डॉट्स लगाएंगे तो आप अच्छा लिखोगे। फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन एंड देन मेक अ स्मॉल राइट साइडेड कर्व। ये बन गया आपका। जब आपको ओ लिखना आता है तो आप क्यों बड़े आसानी से लिखोगे। फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ, यू हैव टू मेक ओ एंड देन मेक अ स्मॉल कर्व लाइक दिस, ओके। सो एम एन ओ पी क्यू। सपोज आपको इसके आगे वाला याद नहीं आ रहा लेटर, तो आप क्या करेंगे, वापस यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है। तो आर भी कैसे आप लिखेंगे, आपको पी लिखना आता है तो आर लिखना आपके लिए बहुत आसान है। First, write P, okay, like this, and then make a small slanting line. तो आर आपका बहुत आसान है। और S के लिए भी यहाँ पे ड्रॉ जरूरी है। S में भी C जैसा small curve, पहले बीच वाली लाइन तक आपने बनाया, देखिए ये बीच वाली लाइन तक आपको आना है। अगर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे एक छोटा सा डॉट लगा सकते हैं ताकि आपको पता चले जो पहला कर्व है लेफ्ट साइडेड का, वो आपको इस डॉट तक कंप्लीट करना है। फिर इसी को बिना रुके राइट साइडेड कर्व में चेंज करना है, ठीक है। तो एम एन ओ पी क्यू आर एस, ओके। अब टी तो आसान है, बहुत सारे बच्चे अपने आप कर लेते हैं। इस तरीके से डॉट लगाया मैंने, स्टैंडिंग लाइन एंड देन स्लिपिंग लाइन, वेरी इजी। नाउ यू, यू में क्या करते हैं बच्चे, यहाँ एक डॉट लगा देते हैं साइड में, ठीक है। यू में हमें पहले सीधा ऐसे लाइन बनानी है, फिर इसको थोड़ा सा टर्न करते हुए कर्व बनाते हुए थर्ड लाइन को टच करते हुए, बाहर नीचे नहीं जाना है थर्ड लाइन से, देखो ऐसे पहले सीधे आई है, फिर मैं टर्न करते हुए इस डॉट के पास चलूंगी, ठीक है। ये हमारा कर्व जो है नीचे लाइन से नीचे नहीं जाएगा, अंडरस्टूड। ये हो गया आपका यू। यू के बाद आपको लिखना है वी। अब वी में आपका ये नीचे वाला जो कर्व यहाँ यू में बना है उसकी जगह वी में पॉइंटेड होना चाहिए। क्या करेंगे, पॉइंटेड तक आपको स्लैंटिंग लाइन एंड देन अनदर स्लैंटिंग, ओके गुड। अगर आपको वी आता है तो डब्ल्यू लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दो बार वी को बनाएंगे तो आपका डब्ल्यू, एक बार मैंने वी बनाया और फिर दूसरी बार वैसा ही वी बनाया, डब्ल्यू बड़ी आसानी से बन जाएगा। अगर दिक्कत आ रही है तो मम्मा यहाँ आपको डॉट लगा सकती है, यहाँ लगा सकती है, यहाँ पे लगा सकती है, यहाँ पे, तो आप इन डॉट्स को मिलाएंगे तो आपका डब्ल्यू बड़ी आसानी से बन जाएगा। सपोज आपको आगे का याद नहीं आ रहा तो क्या करेंगे बताइए। यस, शुरू से पढ़ेंगे। शुरू से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, अगर यहाँ से भी आप पढ़ेंगे तो भी आपको ये वाला लेक्चर याद आ जाएगा। एम एन ओ पी क्यू आर एस T U V W X। अब X में कैसे डॉट लगाना है, एक डॉट इधर और एक डॉट इधर।
अगर किसी को दिक्कत है तो मम्मा यहाँ भी और यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको क्रॉस में उनको ज्वाइन करना है, दो स्लैंटिंग लाइंस लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है, फर्स्ट स्लैंटिंग लाइन देन सेकंड स्लैंटिंग लाइक दिस क्रॉस, ओके। अब वाई में मैंने देखा बच्चे बना तो रहे हैं लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है, तो वाई में क्या करेंगे मम्मी पापा ऐसा जॉइंट बनाएंगे, ठीक है। तो फिर आप उसको ऐसे और ऐसे जॉइन कर लेना पहले, और फिर नीचे एक स्मॉल स्टैंडिंग लाइन बना देना, बन गया आपका वाई। जेड में भी अगर किसी को परेशानी है तो फोर डॉट्स हेल्प से लिखते लगवा सकते अपने नोटबुक में। फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ स्लिपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड देन अगेन स्लिपिंग लाइन लाइक दिस। तो आपने देखा डॉट्स बनाने से आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो गई, हो गई ना। तो आप भी क्या करेंगे, मम्मा की हेल्प लेंगे थोड़ी सी, मम्मा को थोड़ा सा आपके लिए इतना काम करना पड़ेगा कि आपकी नोटबुक में डॉट्स बनाने पड़ेंगे तो आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। वैसे तो ज्यादातर बच्चों की अच्छी ही है लेकिन उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है, तो डॉट्स के साथ कम से कम 1 वीक आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपके डॉट्स लगाने की जो आपको डॉट्स के साथ लिखने की हैबिट अपने आप कम हो जाएगी, आपको लाइंस पता चल जाएगी कि मुझे कहाँ तक आना है और कहाँ पे रुकना है, ओके। सो प्रॉमिस मी यू विल डू दिस प्रैक्टिस, यस गुड। सो हियर आई विल स्टॉप एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। साई राम, बाय बाय।